नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी टुडे इंडिया और टीवी टुडे इंडिया पर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं एक खबर, मथुरा की बहू। जी हाँ, आप चौंकिएगा मत, हम क्या खबर देने वाले हैं ये सोचिएगा मत, हम अच्छी खबर देने वाले हैं, कोई बुरी खबर देने वाले नहीं हैं। और ये बता रहे हैं आपको कि बेटियां ही नहीं वरन बहुएं भी नाम कमाती हैं। आमतौर पर ऐसा होता है कि बेटियों को अपना माना जाता है और बहुएं जो होती हैं उनको पराया माना जाता है, जबकि जो बहू होती है वो भी किसी परिवार की बेटी होती है और अपना परिवार छोड़कर वो एक दूसरे परिवार में आती है। और जब दूसरे परिवार में आई हुई कोई एक अन्य परिवार की बेटी अपने ससुराल में रहते हुए कोई किताब हासिल करती है, कोई उपलब्धि हासिल करती है, तो ये निश्चय ही उल्लेखनीय बात है। तो ये है हमारे साथ श्रद्धा गोस्वामी, जो मथुरा की बहू हैं, मथुरा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक गोस्वामी परिवार से संबंधित हैं। हालांकि आजकल आप मुंबई में रहती हैं, दिल्ली में एक प्रतियोगिता हुई, उस प्रतियोगिता में आपको एक किताब मिला है और वो किताब क्या मिला है, वो प्रतियोगिता क्या थी, वो हम आप ही से जान रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा जी, और आपको बहुत बहुत बधाई। बताएं आप प्रतियोगिता के बारे में और अपने बारे में। हाँ जी, नमस्कार पहले तो, और बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुझे इंट्रोड्यूस किया। हाँ जी, मैं मथुरा की बहू हूँ श्रद्धा गोस्वामी, और मथुरा धोली प्याऊ से, मयूर विहार से बिलोंग करती हूँ। मैंने ये प्रतियोगिता थी जो ओपेरा मिसेज इंडिया ग्लोबल 2019 सीजन 2 था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। यह नेशनल लेवल पे हुआ था, जो 11 से 12 सिटी में इनका ऑडिशन किया था, लाइव ऑडिशन था इनका। और कुछ जगह पे जहाँ पे ऑडिशन नहीं हो पाए थे और जो प्रतिभागी इंटरेस्टेड थे उनके ऑनलाइन ऑडिशन भी हुए थे। तो कुल मानिए ये पूरा नेशनल लेवल पे बहुत तरह से 35 प्रतिभागियों का चयन किया गया था, और उसमें ये दिल्ली में आपका होटल ITC वेलकम में ये 21 जुलाई को इसका आयोजन था, जिससे मैंने पार्टिसिपेट किया। और पार्टिसिपेट करने के बाद एक खिताब जीता जो कि ड्यूटी विद पर्पस के नाम से मुझे मिला। मीन सुंदरता उद्देश्य के साथ। हाँ जी, सुंदरता उद्देश्य के साथ, ये मैं बहुत स्पेसिफाई करना चाहूंगी कि सुंदरता ही सब कुछ मायने नहीं। औरतों को जैसे देखा जाता है कि सुंदरता वो उनको शायद ईश्वर की तरफ से दिया हुआ ये वरदान ही है, लेकिन सुंदरता का असली मायने है कि आपके जीवन में एक अच्छा उद्देश्य होना चाहिए, एक आप कुछ समाज में कुछ करना चाहते हैं, वो चीजें भी आपके लिए मायने रखती हैं। तो मैंने एक्चुअली उनका एक टास्क था जो सभी प्रतिभागियों को दिया गया था, सेव अर्थ सेव फ्यूचर, जिसमें उनको हमें रोड शो या फिर किसी भी तरह का पब्लिक अवेयरनेस करना था। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया, और मेरा रुचि भी है समाज सेवा करने की, कुछ आप इस ये भी दुनिया में आए तो कुछ अच्छा करने की। तो मैंने बहुत ही स्तर पे गरीब बच्चों का रोज, जो यहाँ पे मुंबई में स्ट्रीट चाइल्ड है, उनको अवेयरनेस किया, स्कूल में जाके अवेयरनेस किया, सीनियर सिटीजन को अवेयरनेस प्रोग्राम दिया कि प्लांटेशन करना चाहिए, पॉलीथीन यूज नहीं करना चाहिए, किस तरह से हम अपने ग्लोबल एनवायरमेंट को बचा सकते हैं। जी। तो मुझे एक्चुअली जो बेसिकली इसकी वजह से ही ये ब्यूटी विद पर्पस का खिताब दिया, क्योंकि मैंने जो 35 प्रतिभागी थे उनमें से सबसे अच्छा परफॉर्म किया। जी, इसके लिए आपने कितना समय दिया, मतलब कुछ तैयारी जो आपने की उसमें आपका क्या कुछ लगा, मतलब हम अगर पूछें तो आपको इसके लिए क्या कुछ करना पड़ा? हाँ जी बिल्कुल, ये मेरा जो ऑडिशन में चयन हुआ था ये 5 मई को हुआ था, तो मेरे पास मई के बाद जून और जुलाई 2 महीने का समय था, आप 1.5 महीने मान सकते हैं, क्योंकि हमें 19 जुलाई को होटल ITC वेलकम में सबको पहुंचना था, जहाँ पे उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और भी थे। तो 1.5 महीने का जो मुझे समय मिला, इस 1.5 महीने में मैंने बहुत ही मन से सोचा कि एक्चुअली मैं मुझे क्या करना चाहिए, ये ऐसा कुछ करना चाहिए जो मुझे मौका मिला है, शायद मैं अपने आप को भी पहचान पाऊँ कि मैं
क्या अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने बिल्कुल मन लगा के और बिल्कुल सूझबूझ के साथ, क्योंकि सेव ग्रीन सेव फ्यूचर, तो मेरे एक दिमाग में आइडिया आया कि फ्यूचर, भविष्य की बात यदि हम करते हैं तो भविष्य हमारे बच्चे हैं, तो बच्चों से अच्छा और कुछ नहीं है जो समाज को सुधारने में मदद कर सकते हैं। और बच्चे ही एक मेरा मानना है कि बहुत ही जल्दी सीखने की उनके अंदर क्षमता होती है और बड़ों को समझाने की भी क्षमता होती है। तो मैंने इस वजह से बच्चों का ही को उठाया और स्कूल में और बहुत सारी जगहों पे जाके इसका अपना जो प्रोजेक्ट है उनको समझाया और अपने टास्क कंप्लीट किया। जो महिलाएं होती हैं उनका बच्चों के प्रति तो विशेष स्नेह होता ही है, लेकिन आपका मुझे उनसे कुछ सामान्य से अधिक लग रहा है, और इसलिए मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बच्चों से और अन्य लोगों से इस अपनी सफलता के बाद क्या कहना चाहेंगी कि आप जैसी सफलता वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं विभिन्न प्रतियोगिताओं। देखिए ऐसा है, अभी जो मीडिया है और जो अवसर हैं पहले के समय की अपेक्षा में लोगों को बहुत मिल रहे हैं, पर जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है घर के लोगों को अपनी इच्छाओं को रुचि को समझाने की और परिवार वालों को समझने की कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। एक्चुअली आज के टाइम पे आप यदि इंजीनियर डॉक्टर और एक पेरेंट्स का एक लाइन थी कि बस हमें बच्चे को पढ़ा करना है तो इंजीनियर बनाना है या डॉक्टर बनाना है या वकील बनाना है, पर ऐसा नहीं है। अभी इतनी चीज़ें आ गई हैं जहाँ पे बच्चे की रुचि है आप उस क्षेत्र में उसको बढ़ाइए, और कोई भी क्षेत्र छोटा बड़ा नहीं है, हर क्षेत्र में आपको मेहनत करनी पड़ती है तभी सफलता मिलती है। जी, तो मेरा बस छोटा या बड़ा नहीं है, हर क्षेत्र में आपको मेहनत करनी क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल, ये आपने एक मैसेज दिया है कि मेहनत ही, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो ये रही हमारे साथ श्रद्धा गोस्वामी, मथुरा की एक बहू, मथुरा के एक प्रसिद्ध चिकित्सक परिवार गोस्वामी परिवार की बहू, जिन्होंने मुंबई में रहते हुए दिल्ली आकर ओपेरा मिसेज इंडिया ग्लोबल 2019 सीजन 2 में भाग लिया और खिताब हासिल किया ब्यूटी विद पर्पज, और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इनको, और इन्होंने एक बहू होकर अपने मथुरा का नाम रोशन किया है और बच्चों के प्रति इनका विशेष स्नेह है, लगाव है, और वो आगे भी बना रहेगा ऐसा हमको लग रहा है, और आगे आपका भविष्य उज्जवल हो ऐसी हम कामना करते हैं, और आप इसी तरह से नाम रोशन बहुत बहुत परिवार बहुत बहुत धन्यवाद इसका। और मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि मैं एक बहू हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, और उसके साथ साथ मैं नौकरी भी करती हूँ। तो जैसे कहा जाता है कि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करती हूँ, मैंने मास्टर इन फार्मेसी किया हुआ है, और इतनी सारी चीज़ें यदि एक चीज़ महिलाएं मैनेज करती हैं तो ये हर महिलाओं के लिए संभव है। ये यदि सोचा जाता है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो आगे आपको किसी और चीज़ के लिए वक्त नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है। आप अपने लिए चाहें तो हर समय निकाल सकती हैं, यानी कि ये कुछ सब आप गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरा मुझे तो ये, बल्कि मैं और भी इसमें मथुरा शहर में साधन करना चाहती हूँ, बस संकल्प चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे यहाँ पे मथुरा शहर में बहुत सारी महिलाएं हैं जो घरेलू महिलाएं हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो घर के अलावा भी बहुत सारी चीजें, जिनके अंदर कुछ टैलेंट है, किसी भी तरह का टैलेंट है, वो अपने घर से बाहर निकलें, उसको एक रूप दें अपने टैलेंट को, निकलने दिया जाए उन्हें, परिवारों की परंपराएं भी होती हैं ऐसे। नहीं नहीं, यही तो सोच बदलनी है, यही तो सोच बदलनी है, ऐसा नहीं है। देखिए हर चीज है, मैं भी एक परिवार से बिलोंग करती हूँ और हमारा परिवार बहुत ही बड़ा है, जो कि मेरे जेठ जेठानी या फिर बोलना चाहिए कि हम 6 भाइयों का ससुर, जो चाचा ससुर है उनका परिवार है। तो ऐसा नहीं है, मैं उस घर की बहू हूँ जो मैं अपनी परंपराएं, मर्यादा, हर चीज का ध्यान रखती हूँ, और मैं उनको अवेयर कराती हूँ कि जो मैं कर रही हूँ उसके पीछे मेरा क्या उद्देश्य है और उसका रिजल्ट क्या है। तो आपको बात करनी पड़ेगी, बात कहते हैं ना, बात करने से बात बनती है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप डिस्कस नहीं करेंगे, तब तक चीजों को सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। जी जी, तो ये जरूरी है। आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, अहम संदेश दिया है, बहुओं को घर से अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए प्रेरित किया है, और परिवारों को भी संदेश दिया है कि
जो रूढ़ीवादी परंपराएं हैं उनको बदलना होगा और बेटियां ही नहीं बहुएं भी आपके परिवार का नाम रोशन कर सकती हैं, ये आपने कर दिखाया। धन्यवाद आपका जी। जी थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मैगजीन इंडिया ग्लोबल 2009 जीता है ब्यूटी विद पर्पस, जो कि मैं यही खिताब मिले शहर से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैंने मुंबई की तरफ से ऑडिशन, मुंबई का प्रतिनिधित्व 11 सीटा और कुछ ऑनलाइन और सारे नेशनल लेवल पे प्रतिभागी होटल ITC में इसका आयोजन, और वहाँ पे एक्चुअली मेरा जो रुझान, बहुत सारे सोशल वर्क करती हूँ बट मेरा इंटरेस्ट करूँ अच्छा करूँ जो महिलाओं के उत्थान के लिए, एजुकेशन के लिए, उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा के लिए मैं कुछ अच्छा करना, बहुत खुशी है कि मैंने किताब बस अभी 3 दिन के लिए एक ITC में, और हम सब सारे सेशन थे, हमने न्यूट्रिशन, हाउ टू डू योर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ डिफेंस एंड हाउ टू वॉक, हाउ सारी ट्रेनिंग हमको दी गई था, वन बाय वन हम सब था और वहीं के वहीं था, एंड टैलेंट राउंड अपना अपना टैलेंट, तो ऐसे ये कई लेवल में उन्हें थे, देन फाइनली और इसने हमको सारे करते हुए एंड डे में इस पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया, खुश हूँ।